अस्सलाम वालेकुम माय ब्रोस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे, अपने अपने घरों में अपनी अपनी फैमिलीज के साथ खुश और खुर्रम जिंदगी गुजार रहे होंगे। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हमारी न्यू वीडियो आ चुकी है, विच इज़ समथिंग अबाउट डिटेल्ड कि ये चैनल क्यों है या इसको ज्वाइन करने का आपके क्या बेनिफिट्स हैं, आप यहाँ पर जो है वो कोर्स क्यों स्टार्ट करें और सारी चीज़ें। ठीक है, मैं ट्राई करूँगी कि मैं जितना शॉर्ट में बोल सकूँ बोलूँ, लेकिन बहुत ज़्यादा शॉर्ट अगर हो गया, अगर इंपॉर्टेंट डिटेल स्किप हो गई तो फिर वो मसला है। ठीक है, तो फिर भी थोड़ी सी आप लोगों की तरफ से कोऑपरेशन की नीड है। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोगों को मैं स्टार्ट करवा दूं। यहाँ पर मैंने पूरा लिखा हुआ है, अब ये कचरा मैं आपको समझाऊंगी और गंदी राइटिंग के लिए माजरत, लेकिन मेरी राइटिंग कोई नहीं सुधार सका। अच्छा, सबसे पहली चीज़ ये कि ये जो है, यानी कि मैं जैसे कहती हूँ कि आप ज्वाइन करें, इसमें आपके अर्निंग चांसेस भी हैं। तो जो ऑरिफ्लेम समझते हैं, इट्स नॉट ऑरिफ्लेम, नैदर टाइम्स। ठीक है, ना ही ये ऑरिफ्लेम है ना ही ये टाइम्स है। सही, इन दो के बारे में भी बहुत ज़्यादा र्यूमर्स हैं, लेकिन देखिए ऑरिफ्लेम इज़ नॉट अ रॉन्ग प्लेस। बस ये है कि उसके जो कॉस्मेटिक्स होते हैं, जो उसकी सेंचुअल्स होती हैं, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव एंड दैट्स इट। अच्छा, मैं इधर ऑरिफ्लेम और टाइम्स को नहीं करने बैठी। यहाँ पर सबसे पहले बता दूं कि आप लोग जो वर्क उठाते हो यहाँ मेरे चैनल से उठाते हो, वो इट्स फ्रॉम ग्लो लाइक अ प्रो, और मेरा इंस्टाग्राम है ग्लो लाइक अ प्रो के नाम से। ठीक है, मैंने इस वक्त मजीद कोई वीडियो बनाने की बजाय बीच में एक रिमाइंडर बनाने का सोचा कि आप लोगों को एक डिटेल बता दूं कि व्हाट इज़ इट और व्हाट इज़ नॉट। ओके, अगर मैं जल्दी बोल रही हूँ तो सॉरी, लेकिन मेरी कोशिश है कि मैं थोड़ा स्लो बोलूँ। अच्छा जी, सबसे पहली चीज़ कि आप लोगों के यहाँ पे फ्री कोर्सेज अवेल किए जा रहे हैं। ठीक है, अब ये बात आप भी जानते हैं, ये बात मैं भी जानती हूँ कि कितने ज़्यादा एक्सपेंसिव हैं ये कोर्सेज, वेदर इट्स मेहंदी, वेदर इट्स मेकअप, वेदर इट्स हेयर स्टाइल्स, वेदर इट्स ड्रेस डिज़ाइनिंग, सेल्फ ग्रूमिंग, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। अगर आप कभी वन डे क्लास लेने भी जाते हो, वन डे क्लास यानी शॉर्ट क्लासेज होती है जिसमें आपको कोशिश की जाती है कि 2 घंटे में एक शॉर्ट विजन दिया जाए, उसके भी चार्जेस होते हैं, वेदर इट्स 200-300 बट चार्जेस होते हैं। ठीक है, यहाँ यू डोंट हैव चार्जेस। प्लस जो ये कहते हैं कि यू आर अपलोडिंग वीडियो तो इसमें चार्जेस का क्या, तो गाइस फॉर दैट पर्पज़, शायद आप में से आधे से ज़्यादा लोगों को नहीं पता कि सिर्फ वीडियो अपलोड नहीं की जाती है, वीडियोज़ अपलोड करने के अलावा आई ऑल्सो रिसीव योर वर्क। ठीक है, आप लोग जो है वो ग्लो लाइक अ प्रो पर मुझे काम सेंड करते हो, वहाँ पर मैं आप लोगों का काम चेक करके आपको फर्दर गाइड करती हूँ। ओके, हो गया। अब तरीका क्या है? तरीका सिंपल है कि आपको जो है वो वीडियो वीडियोस के थ्रू गाइड किया जाता है। ठीक है, आप लोगों को वीडियो बना के दी जाती है, चाहे वो मेहंदी की हो गई, चाहे वो मेकअप की हो गई, चाहे वो हेयर स्टाइल की हो गई, चाहे वो ड्रेस डिजाइनिंग की हो गई, चाहे वो सेल्फ ग्रूमिंग की हो गई, चाहे वो अदर ट्रिक्स की हो गई, ठीक है, ब्यूटी टिप्स वगैरह की हुई, वीडियो प्रोवाइड की जाती है यहाँ इस चैनल पर। सही, फिर वो काम जो है वो कॉपी करके आप सारा मुझे सेंड करते हो मेरे इंस्टाग्राम पे, विच इज़ ग्लो लाइक अ प्रो के ही नाम से है, नाम मैंने यहाँ पे हेडलाइन पर डाल दिया है। ठीक है, ग्लो लाइक अ प्रो पर ही आप लोग मुझे सारा काम सेंड करते हैं, वहाँ पर फिर मैं आप लोगों को गाइड करती हूँ कि आपको ये क्लास करनी है, नहीं ये क्लास नहीं करनी है, आप इस क्लास का ये वाला सेशन ठीक नहीं है, और ये सारी चीज़ें। ठीक है, अगर आप मेरा इंस्टाग्राम विजिट करो, जो भी मेरी वीडियो देख रहे हैं, अगर आप मेरा इंस्टाग्राम विजिट करते हो तो वहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि किस तरीके से मतलब कि चल रहा है। वहाँ पे मैंने स्टोरीज लगाई हुई हैं, हाईलाइट स्टोरी आप देख सकते हो, हाईलाइटेड में रखने का मकसद ही यही है कि जो न्यू आए उनके लिए वो एक चीज़ जमा हो जाए कि ठीक है वो वहाँ से देख के एक्सपीरियंस कर सकते हैं। ठीक है, पहली मज़े की बात ये कि आपको वीडियोस मिलेंगे, और दूसरी मज़े की बात ये कि आपकी जो है वो आपके ऊपर चेक एंड बैलेंस होता है। ठीक है, आपका काम चेक किया जा रहा है, आपको गाइड किया जा रहा है वेदर यू आर राइट और रॉन्ग, आपको कहाँ मेहनत की ज़रूरत है, कहाँ आप बिल्कुल ओके हैं, ईच एंड एवरीथिंग आपको गाइड की जा रही है। ठीक है, विच इज़ अ बेस्टेस्ट थिंग एवर। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट चीज़ जो आप लोगों को यहाँ से फ़ायदा देगी, जब आप लोग ये सारी चीज़ें सीख जाओगे अभी या तो मिड में या फिर आफ्टर द कम्प्लीशन ऑफ कोर्स, मैं आप लोगों को कस्टमर अट्रैक्ट का तरीका बताऊंगी, यानी किस तरीके से आप जो है वो कस्टमर अट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, दैट्स द मेन थिंग जो कि बहुत ज़्यादा मैटर करती है, कि अगर आप काम सीखते हो तो ज़ाहिर है हम काम सीखते इसीलिए समटाइम्स हम अर्निंग के लिए ही सीख रहे होते हैं। ठीक है, कि हम कुछ कमा सकें। तो जो बिल्कुल बिगनर्स होते हैं, आपके पास कस्टमर्स ऑब्वियसली नहीं होते, जो बिल्कुल बहुत ज़्यादा ओल्ड हैं उनके पास कस्टमर्स होंगे, आपके पास नहीं होंगे, तो किस तरीके से आप काम कर सकते हो, किस तरीके से आप कस्टमर गेन कर सकते हो, बना सकते हो, उनके उनको सेट करना, उनको अपने साथ टिकाना आपका काम है, लेकिन किस तरीके से ये सारी चीज़ें हों ये मैटर करता है, और ये चीज़ आप लोगों को यहाँ पे ज़रूर 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 सिखाई जाएगी। इंशाल्लाह मेरी नेक्स्ट वीडियो मतलब कुछ टाइम कुछ वीडियोस के बाद मैं इसके ऊपर भी एक वीडियो बनाऊंगी। ठीक है, तो आप लोग जो है वो वीडियो भी देख सकते हो। इसके अलावा बहुत सी ऐसी लड़कियाँ हैं मेरे कोर्स के दौरान ही जिन्होंने माशाल्लाह से अर्निंग शुरू कर दी है। ठीक है, वो जो है वो काम करके सर्विसेज देकर थोड़ी बहुत ही सही 50-100 की सही, लेकिन अर्निंग वो कर रही हैं।
तो वो कर रही है तो आप भी कर सकते हैं. बिल्कुल बिगनिंग से शुरू किया हुआ भी लड़कियों ने प्रोग्रेस में वेल लिया है, जिन्होंने हिम्मत हार दी तो फिर उन्होंने छोड़ दिया. डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से उस चीज को लेके चलते हैं. ठीक है, ये हो गया. अच्छा, इसके बाद इस कोर्सेज का आपको बेनिफिट्स क्या है. ठीक है, ये तो था कि तरीकाकार क्या है, अब आती है बारी के बेनिफिट्स क्या है. बेनिफिट्स ये है कि सबसे पहली चीज ये कि आप जो है वो अगर सीख जाते हो तो सबसे पहला जो आपका होगा, जो मैंने ऊपर नीचे लिखा है, पहले आपकी मनी सेविंग होगी. यानी कि अगर आप नहीं भी सर्विसेज किसी को दे रहे हो तो आप एटलीस्ट खुद की सर्विसेज ले सकते हो. यू नो हाउ टू डू अ परफेक्ट मेकअप, यू नो हाउ टू अप्लाई मेहंदी, यू नो मतलब ये चीजें जो है वो थोड़ी बहुत एक्सपेंसिव है. ठीक है, यानी अगर हम कभी शादी वगैरह में सर्विसेज लेते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली लेडीज लेती हैं, तो उससे जो है वो अच्छा खासा खर्चा हो जाता है, जो कि समटाइम्स ये एक्सपेंस हमारा 10,000 को टच कर जाता है. 10,000 को जिसकी आपने सर्विसेज ली हैं, इसके बाद आपने मेहंदी करवाई है, इसके बाद आपने मेकअप वगैरह करवाया, तो ये सब मिलाकर 10,000 अप्रॉक्स बनता है. अगर आप ये चीज़ खुद सीख जाओ और आपने मतलब घर में एक दो बंदों ने भी सीख लिया, तो डेफिनेटली यू कैन सेव 10,000 to 20,000 और वो आप अपने किसी और यूज़ में ले सकते हैं. ठीक है, इसके अलावा दूसरा आपको इसका बेनिफिट ये आ जाता है, विच इज़ फाइनेंशियली अनस्टेबल. अच्छा, फाइनेंशियली अनस्टेबल का ये कि अगर तो कोई फाइनेंशियली अनस्टेबल होता है, यानी कि एज आई सेड बार बार कहती हूँ कि आप जो है वो अगर आपके घर में मेड्स हैं, कोई ऐसा है जिनके घर में मेड्स हैं, तो उनको सिखाएं. वो फाइनेंशियली अगर अनस्टेबल है तो थोड़ा बहुत स्टेबल हो सकेंगे. देखिए, ये जो छोटे छोटे काम होते हैं ना, इससे हम थोड़ी बहुत जमा पूंजी कर सकते हैं. इसकी वैल्यू उनको होगी जिनके पास काम नहीं है, जिनके पास क्वालिफिकेशंस भी हैं लेकिन स्किल्स नया होने के बावजूद. क्योंकि मैंने ये कहीं पढ़ा था कि, और मैं इस चीज़ के ऊपर भरोसा भी रखती हूँ, कि पढ़ा लिखा तो शायद बेरोजगार हो सकता है, क्योंकि हमारे यहाँ का मसला ये कि हम बंदे को जो है वो डिग्री से नापते हैं, हम उसको बुला के उसको जो है वो इंटरव्यू लेना भी, उसको टैलेंट चेक करना भी जरूरी नहीं समझते. ठीक है, तो इसलिए, लेकिन स्किल वाला बंदा ये है कि स्किल वाले बंदे की चीज़ तो ऑब्वियसली स्किल्स तो फैलते फैलते फैल ही जाती हैं, तो वो बंदा कभी भूखा नहीं मर सकता. ठीक है, तो इसलिए आप लोग जो है वो इस चीज़ को फ़ायदा ले सकते हैं. आप जो है वो फाइनेंशियली खुद को स्टेबल कर सकते हो, एक सेट हो सकते हो. सही है, तो मेरे ख्याल से इट्स बहुत अच्छा, क्योंकि ये बहुत अच्छा है. क्योंकि देखिए, किसी को मछली खिलाने से बेहतर है कि हम मछली पकड़ना सिखाएं. ये मैंने एक रक्षे के पीछे पढ़ा था और तब से ये मेरे दिमाग पे लगा हुआ है. ठीक है, तो यहाँ पर जो है वो डेफिनेटली आपको मछली पकड़ना सिखाई जा रही है, आपको मछली दी नहीं जा रही. ठीक है, ये चीज़ आपने अपने माइंड में सेट कर लेनी है. ठीक है, ऑब्वियसली जब आप अगर फाइनेंशियली अनस्टेबल कोई चीज़ का फ़ायदा उठाते तो उसकी अर्निंग शुरू होगी, अर्निंग होगी तो आप स्टेबल होना शुरू हो जाओगे. होते होते टाइम के बाद साथ साथ आप अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करोगे और बहुत अच्छी जगह पर, बहुत अच्छे लेवल पे जा सकते हैं. ठीक है, और एक और चीज़ होगी फैमिली सपोर्ट, क्योंकि लड़कियों का यही मसला होता है कि यार हमारा मैट्रिक के बाद हमें पढ़ने की परमिशन नहीं है, घर वाले अलाउ नहीं करते, या माहौल की वजह से हमें परमिशन नहीं मिलती, ये सारी चीज़ें. तो अगर आपके पास स्किल्स होंगी, घर में ही बैठ के अगर आप थोड़ा बहुत भी करोगे, तो आप या तो फैमिली को सपोर्ट कर सकोगे. फैमिली की सपोर्ट अगर नहीं भी कर रहे तो एटलीस्ट आप खुद की थोड़ी जेब खर्ची बना लोगे. जो कि समटाइम्स ऐसा होता है कि यार मुझे ये चीज़ अच्छी लगी लेकिन बजट इतना ही था, कि भाई अब्बू ने या अम्मी का मतलब एक बजट है कि इतने में आपको ये चीज़ बाय करनी है. अब आपके पास अपनी सेविंग्स होंगी तो आपका दिल है, आपने अपनी मर्जी से थोड़ी छोटी मोटी भी चीज़ें जब आप बाय करोगे, तो यू नेवर नो, जिन्होंने अभी तक अपनी खर्ची के अलावा जमा कमाए हुए पैसों से जिन्होंने अब तक कुछ खरीदा नहीं है, उनको इस बात के नहीं पता कि वो क्या हैप्पीनेस होती, क्या वो खुशी होती जब आप अपनी अर्निंग से लो, और स्पेशली जब वो आप अपने पेरेंट्स के लिए लो, तो इट्स जस्ट मतलब ज़बरदस्त हैप्पीनेस एवर. ठीक है, तो ये एक और आपको जो है वो यहाँ पे फ़ायदा है. ऑब्वियसली ये सारे फायदों के लिए आपको सीखना पड़ेगा. एक जो बेस्ट चीज़ आपको प्रोवाइड की जा रही है वो ये है कि आपको एक प्लेटफॉर्म दिया जा रहा है जहाँ पर आप अपना काम सबमिट कर सकते हो. देर आर हंड्रेड्स ऑफ चैनल जो कि यही चीज़ सिखा रहे हैं, बट देर इज़ नो वन जो आपका चेक एंड बैलेंस रखे. तो इफ आई एम प्रोवाइडिंग यू दैट, तो आपको उसका फ़ायदा उठाना चाहिए, प्लस आपको ये चीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करनी चाहिए. ठीक है, ये स्ट्रैटेजी मैं बाद में आप लोगों को समझाऊंगी, बट फिलहाल जो वीडियो बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो रही है तो इसलिए मैं यहीं पर एंड अप कर रही हूँ. तो होप्स हो कि आप लोगों को मेरी बात समझ में आएगी, और अगर किसी ने पूरी वीडियो देखी है, किसी को अगर बात समझ में आ रही है, तो दैट्स माय रिक्वेस्ट कि इस चीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लोगों को ज्वाइन करवाएं ताकि वो इस चीज़ को सीखें. बिकॉज इंडिविजुअली इफ आई कैन स्टार्ट, तो एटलीस्ट आप शेयरिंग तो कर ही सकते हैं. अगर मैं इस चीज़ को लेके आगे जाना चाह रही हूँ, तो वट आई ऑल आई नीड इज जस्ट अ सपोर्ट. तो लेट्स सी आप लोगों की तरफ से कितना सपोर्ट आती है, कितनी इस चीज़ को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फॉरवर्ड करते हो, इस चीज़ को शेयर करते हो और इस चीज़ को आगे लेके जाते हैं. ठीक है, आई मस्ट से एंड आई रिपीट कि इस चीज़ को आपने शेयर करना है, स्पेशली अपने
आपकी जैसे कि आप ज़रूरी नहीं कि आपको नीड नहीं है तो किसी को भी नीड ना हो, ठीक है ना। ऐसा नहीं होता कि हर कोई हमें आके बोले कि यार मुझे इस चीज़ की नीड है, मुझे बता दो, कोई सिखा रहा है या कोई बता रहा है या कुछ। कुछ लोग सफ़ेद पोशी की वजह से कुछ शाये जो है वो तबीयत के होते हैं, कुछ नहीं, मेजॉरिटी इस चीज़ में शायद तबीयत के ही होते हैं, उनको बस शर्म आती है। और ऑब्वियसली जो हमारा जजमेंटल सोसाइटी है उस हिसाब से आनी भी चाहिए, एंड बहुत ज़्यादा जजमेंटल हैं लोग यहाँ पर। मुझे भी बहुत सी चीज़ों में अजीब तरीके से जज किया गया है, तो आई नो। तो इसलिए इस चीज़ को लेके आप लोगों को बस इतना कहूँगी कि इस चीज़ को शेयर कर दो अपने प्लेटफॉर्म पर। यू हैव अ व्हाट्सएप, यू हैव अ इंस्टाग्राम, आपके फॉलोअर्स हैं, जब आपकी कोट्स पर, आपकी वीडियोस पर, दूसरी चीज़ों के ऊपर जो व्यूज़ आ सकते हैं, दे कैन रिप्लाई यू वेदर इट्स फनी और मोटिवेशनल, तो इस चीज़ के ऊपर भी डेफिनेटली आपको रिप्लाई आ सकता है। तो इस चीज़ को ज़रूर ज़रूर शेयर करें। आप एक स्मॉल कैप्शन दे सकते हो कि ग्रो लाइक अ प्रो, हियर इज़ अ चैनल, यहाँ पर जो है वो डिफरेंट चीज़ें सिखाई भी जाती हैं और आपसे काम लेकर उसको चेक भी किया जाता है। इंशाल्लाह आपको अर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पे मिलेंगी, ठीक है। तो दैट इज़ इट फॉर टुडे। होप्स होगी आप लोगों को वीडियो पसंद आए, समझ आए, और अगर अच्छी लगी है तो डोंट फॉरगेट टू शेयर एंड हिट लाइक बटन। कमेंट करना मत भूलना, योर कमेंट्स आर वेरी मैंडेटरी। कमेंट्स नहीं आते हैं बहुत डिसअपॉइंटमेंट होती है, तो कमेंट ज़रूर किया करें। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू दिस चैनल। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।